तैयबा को बाद ही हम उनको उन पर अमल कर सकते हैं या उनको से वाकफियत हासिल कर सकते हैं जो के हमारे अमल की बुनियाद होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हुकूक अमूमी तौर पर बयान किए जाते हैं उनमें पहला हक ईमान बिर रिसालत का है। लेकिन हमने अर्ज किया कि ईमान बजाय खुद हक नहीं है, ईमान लाने के बाद कुछ हुकूक लाजिम होते हैं। आमतौर पर हुकूक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बहसें जिन्होंने लिखी हैं उन्होंने हुकूक में ईमान से शुरू किया है, लेकिन हम ईमान को हुकूक की बुनियाद करार देते हुए ईमान बिर रसालत पे ज्यादा तफसील से बात नहीं करेंगे। तफसील पे तो आगे भी मौका नहीं है, सिर्फ इशारों में गुफ्तगू होगी, लेकिन हुकूक का आगाज वहां से नहीं उसके बाद होता है। यानी ईमान बिर रिसालत के बाद हम पर कुछ हुकूक बतौरे उम्मती लागू होते हैं, लाजिम होते हैं, वाजिब होते हैं। वो हुकूक क्या है? सबसे पहला हक जहां से बात शुरू होती है वो इताअत है। इताअत तो ऐसा कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जिसके लिए बहुत तवील वजाहत की जरूरत हो। कुरान करीम में जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने अहकामात में, अहादीस मुबारका में, वाकयात में इसकी बहुत वजाहत मौजूद है। लेकिन यहाँ तीन लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, उन तीनों लफ्जों को थोड़ा सा वाज करना और खोलना हमारे लिए जरूरी है। एक है इताअत, एक है इत्तेबा, एक है इक्तदा। ये तीनों लफ्ज अलग अलग भी शुमार किए जा सकते हैं, अलग अलग एक हक के तौर पर, क्योंकि इन तीनों के मानी और मफाहिम में कदरे फर्क है। लेकिन चूंकि इन सबका मकसद एक है, इसलिए इन तीनों को हम इकट्ठे ही पेश करने की कोशिश करते हैं। असल में ये तीन दराजात की तरफ इशारा करते हैं, ये तीन शोबों की तरफ, तीन बल्कि एक ही बात के तीन बड़े हिस्सों की तरफ इशारा करता है। इताअत का माना वाज़े है, आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी, हयात मुबारका, उसवे हसना की पैरवी करना। कुरान करीम में लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना जो फरमाया गया, उसमें एक पहलू तो रहनुमाई का है कि हमें अगर कुछ चाहिए तो मिल सकता है, लेकिन इसमें जो दूसरी बात है वो बहुत वाजे है कि जब ये सब कुछ रज़ात रिसालत में आप अलैहिस्सलातु तस्लीम में मौजूद है, दस्तियाब है, दस्तरस में है, वाजे है, तो फिर हमारा किसी और की तरफ जाना बराह रास्त कम से कम के दर्जे में नाशुक्री तो होता ही है, कम से कम तो नाशुक्री है। तो लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना का भी लाजमी तकाजा यह है कि हम हर मामले में ज़ात रिसालत में आप अलैहिस्सलातु तस्लीम की इत्तिबा करें। और उसके अलावा कुरान करीम ने वइन तुतीउहु तहतदू फरमाया, जब मामला किसी हवाले से उलझन का शिकार हो जाए तो उसके लिए फइन तनाजा तुम फी शैइन फरुद्दूहू इलल्लाहि वर रसूल फरमाया, और आगे फरमाते हैं इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। यानी हालत ईमान में होने वाले रहने वाले हर शख्स के लिए, किसी भी हालत निजाम में जब उसके लिए अपने तौर पर किसी फैसले तक पहुंचना मुमकिन, नामुमकिन या दुश्वार हो, तो सिर्फ एक रास्ता है या दो रास्ते हैं, तो तरुद्दू इलल्लाह व रसूल, अल्लाह और रसूल की तरफ उसको लौटा दिया जाए। अल्लाह की तरफ लौटाने का मफहूम अल्लाह के दरबार में एक इंसानी दरबार के तौर पर जाकर कोई चीज पेश करना या उसकी जंजीर आदल हिलाकर उससे बात करना तो मुमकिन नहीं है। दुनिया में अल्लाह ताला से किताब रुजू का मफहूम सिर्फ और सिर्फ रुजू इलल कुरान है, और रुजू इलल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत सिर्फ और सिर्फ रुजू इलल सुन्ना इलल सीरा। सुन्ना सिर्फ तशरीह अहकामात को कहा जाता है। जब हम उसको बिल्कुल इंसानी दर्जे में, इंसानी दायरे में लेके आते हैं और इंसानी जरूरतों को तक उसको वसी करते हैं, तो फिर सिवाय सीरत के और हमारे पास कोई ऐसा रास्ता नहीं रहता कि वो रुजू इलल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत से हम गुजर सकें। तो यह है पहला मरहला इताअत का। दूसरा मरहला इत्तिबा का है। इताअत का मफहूम यह है कि किसी एक मरहले में, किसी एक मौके पर, किसी एक मसले के लिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर हमने अमल किया, ये इत्तिआत है।
ये इताअत है, लेकिन इत्तेबा ये है कि इताअत को अपनी जिंदगी का मामूल बना लिया जाए, अपनी जिंदगी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को, आपकी सीरत मुबारका को इस तरह शामिल कर लिया जाए, जिंदगी का ऐसा हिस्सा बना लिया जाए कि उसमें फिर तसलसल पैदा हो जाए, यानी दवाम के साथ तसलसल के साथ अगर कोई सुन्नत या एक से जायद आप अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर हम अमल पैरा होते हैं तो इसको हम कहते हैं इत्तिबा। और फिर तीसरा मरहला है इक्तिदा का। इक्तिदा का मफहूम इस पूरी गुफ्तगू से वाज़ेह हो जाएगा कि उसमें आप अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारक से सर मुंह इन्हिराफ न करने का मरहला आ जाता है, बिल्कुल हर हर मामले में आप अलैहिस्सलाम की इत्तिबा और हर हर मौके पर आते हैं। कोई एक उनवान, कोई एक पहलू लेकर आपका लिबास ले लिया, आपकी शक्ल सूरत ले लिया, आपका उठना बैठना ले लिया, आपका खाना पीना ले लिया, एक पहलू लिया और उसको पूरी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, ये भी इत्तेदा है, ये इत्तेबा है, इसमें भी इताअत का पहलू है, ये भी सवाब है, ये भी अजर का बाइस है, ये भी बरकत है। लेकिन एक है कि पूरी जिंदगी को इस तरह इंसान मुनज्जम करने की और तरतीब व तश्कील देने की कोशिश करे कि मामला सिर्फ सोने और जागने तक, खाने और पीने तक, उठने और बैठने तक, पहनने और ओढ़ने तक महदूद न रहे, जिंदगी का हर मामला, खानदानी मामला हो, रिश्तेदारी के मामला हो, कारोबार के मामला हो, कमाने के मामला हो, खर्च करने के मामला हो, लोगों से लड़ने के मामला हो, लोगों से सुलह के मामला हो, हर हर मामले में अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सामने रखा जाए और आपकी ज़ात मुबारक से रोशनी आफ़ की जाए तो फिर उसको इख्तिदा कहा जाता है, जहाँ कहीं इन्हिराफ का कोई तसव्वुर या कोई रवैया नजर ना आता हो। ये आप अलैहिस्सलाम को तस्लीम का एक हक है, या मैंने अर्ज किया कि इसको आप तीन हकूक भी शुमार कर सकते हैं। उसके बाद अहम तरीन हक मोहब्बत नबवी है। कुरान करीम ने एक बड़ी अजीब तरकीब इस्तेमाल की है। मोहब्बत नबवी, याद रखने की बात यह है कि इताअत नबवी से अलग एक हक है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंसानी मिजाज में अमूमी तौर पर बैलेंस और तवाज़ुन कम कम आता है। जब हम इत्तिबा और इताअत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं तो मोहब्बत नबवी और उसके मज़ाहिर को दबाने की कोशिश करते हैं, शोरी तौर पर ना सही, जाहिर है कि ये तो नियतों पर हमला होगा, गैर शोरी तौर पर नतीजा यही निकलता है। और उसके लिए जो बुनियाद बनती है वो कुरान करीम की इस आयत को बुनियाद बनाया जाता है, जो एक अजीब आयत है और वाकईतन मफाहिम के एतबार से गैर मामूली एक पैगाम है। अल्लाह ताला कहता है इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अच्छा अल्लाह ताला फरमा रहा है ये, लेकिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवा रहा है, ये भी बात की अहमियत और उसमें जोर और जोर बयान शामिल करने की का एक उसूल है। इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अब देखिए कि मामला है इत्तिबा का मामला नहीं है, मोहब्बत का मामला है। इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अल्लाह को यहाँ हम खालिक की हैसियत से अगर देखें तो खालिक और मखलूक का रिश्ता मखलूक की जानिब से खालिक के लिए मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं, किसी और चीज पर उस्तवार ही नहीं। मखलूक से खालिक की जो मोहब्बत है और वो अपनी जगह, खालिक से जो मखलूक का ताल्लुक, मखलूक का जो खालिक से ताल्लुक है वो बुनियादी तौर पर मोहब्बत पर मबनी होता है। भाई हम अपने माँ बाप से क्यों मोहब्बत रखते हैं, वो हमारे खालिक हैं। बच्चा क्यों माँ बाप की तरफ, माँ की तरफ लपकता है, वो खालिक है। ये एक नेचुरल है, फितरी अमल है। इस फितरी अमल को बुनियाद बना के, यानी ये दाइया तो इंसान के अंदर मौजूद होगा क्योंकि वो मखलूक है और अल्लाह खालिक है, तो अल्लाह कहता है कि अगर ये मकसद और ये मरहला मोहब्बत तुम हासिल करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए क्या आसान रास्ता क्या है, फत्तबिउनी, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया जा रहा है, मेरी इत्तिबा करो। इत्तिबा का लफ्ज़ है या इताअत का लफ्ज़ नहीं, ये भी ध्यान में रखिएगा, इत्तिबा की वजाहत हम कर चुके हैं। फत्तबिउनी, अब मामला ये होगा कि अगर
मोहब्बत खुदावंदी के हुसूल के लिए इत्तेबाए नबुव्वत हासिल हो जाए, तो जो हमारी जरूरत थी वो उसका जो उसके हुसूल का जो जाब्ता था वो उल्टा हो जाएगा। फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर हमें अल्लाह से मोहब्बत की जो ख्वाहिश है वो अल्लाह ताला खुद पूरी करने लगेगा, खुद मोहब्बत करने लगेगा। फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह, ये तरकीब देखिए जरा कितनी खूबसूरत तरकीब है, क्या उसलूब की इसमें जाज़बियत और कैफियत। ठीक है, ये बात, ये मामला कहाँ का है? ये मोहब्बत नबी का नहीं है, ये इत्तेबाए नबी का, ये अलग हक के तौर पर मौजूद है। इससे हटकर तीसरा हक, बाकायदा हक अलग से मोहब्बत नबी है, वो अलग हक है, उसको इसके साथ खल्त करके उसका दर्जा कम नहीं किया जाएगा। मोहब्बत नबी क्या है? एक तो लफ्ज मोहब्बत वाजे है, उसकी उसको अगर हम फलसफे की जबान में बयान करें और उसकी पेचीदगियां बयान करें तो जाहिर है कि वो असल मकसद से हमारे हमें हटाने वाली बात होगी। लेकिन मोहब्बत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम में और अहादीस में बहुत वजाहत के साथ बयान हुई है, लेकिन इसमें भी एक पहलू बहुत तवज्जो तलब है। कुरान करीम की एक आयत है, लकद जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अजीजुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफुर रहीम। इंसान किसी भी चीज से मोहब्बत करने में सबसे ज्यादा उस वक्त दिलचस्पी रखता है जब उससे हमें कुछ मैसर आ रहा हो, जब कुछ मिल रहा हो। और अगर जो कुछ मिल रहा है जिसको हम मोहब्बत की बुनियाद बना रहे हैं वो मिलना अलग हो, उसके साथ इजाफी तौर पर मोहब्बत भी मैसर आ रही हो, तो वो हमारा जज्बा दो दो आदशा हो जाता है, दोहरा हो जाता है। मसलन हम तो लेने गए हैं कहीं से माली मदद और वो इतनी अपनाइयत से वो हमें मदद देता है कि हम मदद भूल के उसकी मोहब्बत के असीर हो जाते हैं। अगर वो हमें धुतकारता हुआ या कम से कम तेवरी पे बल चढ़ा के हमारी जरूरत पूरी करते, हम फिर भी जाएंगे क्योंकि जरूरतमंद है, हमें तो पैसे चाहिए, यही होता है दुनिया में। लेकिन उसके साथ वो आजिजी और इंकिसारी के साथ साथ मोहब्बत का रवैया रखे, वो ऐसी अपनाइयत का रखे जैसे इंतहाई सगे अजीजों में होता है, तो हमारी मोहब्बत में इजाफा होने की होने में कोई दो सवाल दो राय पैदा नहीं होगी। यहाँ कुरान करीम में अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमा रहे हैं कि उनका असल मकसद तो बेशक है, अभी बात करते हैं आगे जाके, वो तो अल्लाह का पैगाम देने आए हैं, लेकिन वो अपना पैगाम, अच्छा वो पैगाम हमारी ज़रूरत है, उस पैगाम के चूंकि वो पैगाम को हासिल होने का जरिया और सबब और मंबा है हिदायत और रुश्द और रोशनी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है, इसलिए एक मुसलमान की और उम्मती की हैसियत से हमारा आपको आपको मरकज मोहब्बत करार देना कोई कोई अजम अचंभे की या अजनबियत की बात ही नहीं है। बात है, आप मोहसिन हैं, हम एहसानमंद हैं, एहसानमंद का मोहसिन के लिए मोहब्बत के जज्बात रखना फितरी है। लेकिन यहाँ कुछ और कहा जा रहा है, यहाँ ये कहा जा रहा है कि आप अलैहि सलातो तस्लीम महज पैगाम रसा नहीं है, महज अल्लाह ताला की जानिब से हिदायत मुंतकिल करने वाले नहीं है, बल्कि वो तो लकद जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अजीजुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम, एक लफ्ज नहीं है, हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफ और फिर बिलमुमिनीन रऊफुर रहीम। रऊफ और रहीम कुरान करीम में यह अल्लाह के लिए आया है या जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आया? किसी किसी बात के लिए नहीं आया। तसव्वुर कीजिए कि जो अल्लाह अपनी सिफत बयान करता है वही सिफत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बयान करता है। इसलिए हम ये कहते हैं, हमारे इस गुजारिश का मकसद ये है कि जो सहाबाए किराम दायरे के अव्वल अव्वल आप अलैहि सलातो तस्लीम की इन मोहब्बतों से मुस्तफीद होने वाली जात तो सहाबाए किराम की है, तो सहाबाए किराम ने जो जज़ात रिसालत में आप अलैहि सलातो तस्लीम के साथ गैर मामूली और इंसानी तारीख में महज एक मिसाल के तौर पर, यानी वही सहाबा की मिसाल है, उसके अलावा और कोई मिसाल नहीं मिलती, जो मोहब्बत का रवैया रखा वो मोहब्बत नबवी का रिफ्लेक्शन था।
वो मोहब्बत सहाबा, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब है, रद्द अमल है असल अमल ज़ात रिसालत में आप सलाम। कुरान करीम ने दूसरी जगह भी कहा है, वलो कुन तफज्जन गलीज अल कल्ब लनफज्जू मिन हौलिक, कि यह आपके नरम मिजाजी की एक अलामत भी है और उसका नतीजा और समरा भी है। ये आपके करीब है, यह आपके गिर्द हैं, यह आपके साथ मौजूद है। अगर ऐसा ना होता लनफद्दू मिन हौलिक, कोई ना मिलता आपको। तो ये असल चीज है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बुनियाद। फिर उसके बाद वो मारूफ वाकया हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अनु का मौजूद है, सब जानते हैं। वो असल असास है एक ईमान के लिए, साहिब ईमान के लिए, उम्मती के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दर्जा मुतय्यन करने के। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अनु के साथ मौजूद थे, हाथ पकड़ा हुआ था। हजरत उमर ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया कि आप मुझे हर चीज से ज्यादा महबूब है अपनी जान के सिवा। आपने फरमाया तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हो सकता अपनी अपनी जान के सिवा। आप उन्होंने कहा उस वक्त हजरत अबू बकर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा नहीं, आप मेरी जान से भी ज्यादा अजीज हैं। तो आपने फरमाया आलान या उमर, अब तो मोमिन हुए। याद रखिए ये मोमिन होने की बात की है, ये हजरत उमर के दर्जे बयान नहीं हो रहे यहाँ पे, ये मोमिन होने की कम से कम दर्जे की बात हो रही है, यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट बयान हो रही है। लेकिन सवाल यहां ये पैदा होता है कि ये एक लम्हे में क्या हुआ। इसको सूफिया अपने अंदाज में बयान करते हैं, तवज्जो की का इस बात करते हैं, वो भी ठीक है, वो दुरुस्त से बात बल्कि वही है सच। लेकिन मामला कुछ और है। मोहब्बत की दो किस्में हैं और वो जहन में हमारे हम वक्त मौजूद रहनी चाहिए कि उनकी बुनियाद पर ही सारे मुगालते पैदा होते हैं और मुबालगे जन्म लेते हैं। मोहब्बत जिबिली है और एक मोहब्बत शऊरी है। जिबिली मोहब्बत फितरी मोहब्बत है जिसका ताल्लुक खालिक व मखलूक से है, खालिक से मुराद खालिक हकीकी भी है और ये खालिक ज़ाहिरी भी। हम कहते हैं माँ बच्चे से मोहब्बत करती है, एक तो था ना मखलूक का खालिक से रिश्ता, एक है खालिक का मखलूक से रिश्ता। माँ मोहब्बत करती है, माँ की मोहब्बत का जवाब नहीं, ये हम कहते हैं आम जुमला है, ये सिर्फ माँ के लिए है। माँ चाहे इंसानों की हो चाहे जानवरों की। आप थोड़ा सा ये बारिश का मौसम हो देखिए, बिल्कुल नो मौलूद बच्चों को बिल्ली कैसे गर्दन से दबोच दबोच के उसको किसी साए की और किसी आफियत कदे की तलाश में वो लेके घूमती फिरेगी तलाश में। क्यों? माँ है। क्यों? जो बिल्ली मोहब्बत है उसे, इसलिए वो अपने बच्चों को संभाल देती है। ये उसके पास कोई इंसानी सतह का शोर हासिल नहीं है, उसके बावजूद उसको ममता का शोर मौजूद है कि मैं माँ हूं और ये मेरे बच्चे हैं। तो वो मोहब्बत जिबिली मोहब्बत है, उसमें इंसान और जानवरों की भी तख्सीस नहीं। कुछ आके मजहब और गैर मजहब की बात करें, नबी और गैर नबी की बात करें, ये मोहब्बत हर एक को हासिल है, हर मुसलमान को हासिल है। लेकिन और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों हासिल है? जाहिर है कि आपके साथ वो रिश्ता खालिक व मखलूक का तो नहीं, आप तो को इसलिए हासिल है कि आपके एहसानात और फिर आप चूंकि हमारे जीन में शामिल है, खानदान नस्ल दर नस्ल हम आप अलैहिस्सलाम तो तस्लीम को नबी मानते चले आ रहे हैं, तो इसलिए वो मोहब्बत हमारे खून के अंदर है। लेकिन वो जिबिली मोहब्बत है, जिबिली मोहब्बत बहुत जाहिर है कि फितरी चीज है,
तो उसकी अपनी अहमियत से इनकार नहीं हो सकता, लेकिन जिबिल्ली मोहब्बत का एक दर्जा है, एक खास मकाम है, उससे आगे नहीं बढ़ सकती वो। यही माँ जो अपने बच्चे की, चाहे वो आवारा हो, चाहे वो नाफरमान हो, चाहे वो बदतमीज और बदतहजीब हो, उसके इंतजार में रात को जागेगी। रात गए आएगा, पूरा घर सो रहा होगा, वो दरवाजा खोलेगी, खाना पेश करेगी, डांट डपट भी करेगी, बुरा भला भी कह दे शायद अपनी आदत के मुताबिक, आदत है तो कहेगी, नहीं है तो नहीं, बहुतों की आदत है, बहुतों की नहीं होती। लेकिन उसको उसके उसके आराम का जिस हद तक वो ख्याल रखती रख सकती है, अपने आराम को तज कर ख्याल रखेगी। लेकिन यही माँ या इस जैसी कोई और माँ, ऐसा भी होता है कि अपने बेटे को हाथ से मार डालती है, खत्म कर देती है। कितने वाकयात हैं माँ के पास, सबने सुने होंगे। ये क्या हो गया, जिबिल्ली मोहब्बत माँ की कहाँ चली गई? इससे इल्म हुआ कि ये जिबिल्ली मोहब्बत एक वक्त ऐसा आता है कि खारजी असरात के मातहत कमजोर पड़ जाती है, खत्म भी हो जाती है। ये कमजोर तो पड़ जाती है, जाहिर है कि वो जो एक वाकया है, जख्मी करना हो, मारपीट करनी हो, जान से मार देना हो, ये एक वक्ती वक्फा होता है ना, तो वो इसलिए हम कह सकते हैं कि कमजोर पड़ गया। फितरत का, जिबिल्लत का तकाजा अपनी जगह बरकरार रहा, लेकिन कमजोर पड़ गया। ज़ाते रिसालत माँ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक उम्मती का ईमान, चूंकि बराए रास्त ईमान का मामला है और ईमान का मामला जान से ज्यादा का मामला है, जिंदगी और मौत का मामला है इंसान के लिए, इसलिए उसको महज ऐसी जिबिल्लत पर नहीं छोड़ा जा सकता जिसको कि जिसके कमजोर पड़ने का इम्कान ना हो, बल्कि शवाहिद भी मौजूद हो। उसके लिए जरूरी है कि उसको शऊरी मोहब्बत का दर्जा अता करके हमेशा के लिए महफूज और मामून कर दिया जाए, या कम से कम के दर्जे में महफूज कर दिया जाए। जाहिर है कि उसके बाद भी ईमान तो ऐसी नाजुक चीज है कि हर वक्त मारे से खतर में रहती है, इसीलिए अल्लाह ताला से हर वक्त हिदायत मांगी जाती है। उस मकसद के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तैयार किया कि वो जो जिबिल्ली मोहब्बत थी एक नबी के साथ, एक उम्मती की जो मोहब्बत हो सकती है, जो अकीदत हो सकती है, वो मौजूद थी, उसको शऊरी मोहब्बत में आपके तवज्जो के एक लम्हे ने तब्दील किया। और उस वक्त फिर आपने उसकी तस्दीक भी फरमा दी का अला दिया होगा। शऊरी मोहब्बत क्या है? इंसान ज़हनी तौर पर इदराक के साथ, बसीरत के साथ, इल्म के साथ, शऊर के साथ ये बात मान ले, दिल में बिठा ले, जान के अंदर वजूद का हिस्सा बना ले कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बगैर ईमान भी कुछ नहीं है। और जब ईमान कुछ नहीं है तो फिर सारी मेहनत, सारी रियाजत अकारत है, उसकी कोई हैसियत नहीं, कोई दर्जा नहीं है। ये है शऊरी मोहब्बत। हमारे गली कूचों में जिस मोहब्बत का इजहार होता है, जिसे हम शऊरी तौर पर अक्सर सूरतों में दीन के तकाजों के बरक्स समझते हैं, वो इजहार बुनियादी तौर पर इसी वजह से होता है, उसका सबब यही होता है कि वो जिबिल्ली मोहब्बत का इजहार है, शऊरी मोहब्बत का इजहार नहीं है। शऊरी मोहब्बत का इजहार बतौर नबी होगा, जिबिल्ली मोहब्बत का इजहार बतौर हमारे नबी होगा। जिबिल्ली मोहब्बत में हमारे पे जोर होगा, शऊरी मोहब्बत में नबी पे जोर होगा। तो जब नबूवत पे जोर होगा, नबी पे जोर होगा, तो फिर उसमें शरीयत पे, शरीयत के तकाजों पर इसरार होगा, और शरीयत के तकाजों को मलहूज रखने की कैफियत मजबूत तर होगी। ये शऊरी मोहब्बत का दर्जा कैसे हासिल होगा? सिर्फ और सिर्फ एक सूरत है, सीरत तैयबा का शऊरी मुताला। सीरत तैयबा का शऊरी मुताला क्या है? समझ कर, गौर करके, फहम और इदराक के साथ, समझने के बाद, एक एक वाक्य के इल्लत और मालूल पर गौर करने के साथ,
और इस तकाजे को पेश नजर रख कर सीरत का मुताला कि यह हमारी जरूरत है, ये तफरी नहीं है, ये खुदा ना खासा कोई फिक्शन नहीं है, कहानी नहीं पढ़ी जा रही, ये ईमान को ताज़ा किया जा रहा है, ईमान को मजबूत किया जा रहा है, इस ईमान को मुस्तकीम किया जा रहा है, ईमान को उस्तवार किया जा रहा है। यह है मोहब्बत नबवी एक तकाजे के तौर पर जो हमारे सामने है। मोहब्बत नबवी के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक में वजूब तादीम और तौकीर है। पुराने करीम ने इसके हवाले से कई मकाम पर इशारे किए हैं और हिदायत दी हैं। आप अलैहिस्सलातु तस्लीम के अदब और तादीम का जिक्र कुरान करीम ने बराह रास्त खुद किया, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पर अपनी आवाज बुलंद करना। अगर वो जिस आवाज से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इस आवाज तक बात कर रहे हैं, तो हमें उससे नीची आवाज रखनी होगी। ये ईमान का हिस्सा है, ये ताज़ीम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मजहर के तौर पे कुरान करीम ने बयान किया। ये कोई इस्तिंबाती इस्तिखराजी हुक्म नहीं है, कुरान करीम खुद कह रहा है। तो दादा किया जा सकता है कि इसके बाद क्या कुछ होगा, कुरान करीम का एक उसलूब जहन में रहना चाहिए। वालदैन के अदब के हवाले से कुरान कहता है कि भाई उनका एहतराम करो और वला तकुल लहुमा उफ वला तनहर। अब तनहर बाद में कहा, उफ पहले कहा। उफ क्या होता है, कोई बात हमें नापसंद है भाई आपको, ये उफ है। अब जब हम ये नहीं कह सकते अम्मा अब्बा को, तो डांट सकते हैं? जब डांट नहीं सकते तो खुदा ना खास्ता हाथ उठा सकते हैं? ये नीचे से ऊपर शुरू करने की तरतीब होती है कि ये तक मुमकिन नहीं है, ये तक की इजाजत, इस तक की इजाजत नहीं है, आगे को तो छोड़ दो। तो यहां फरमाया कि आवाज तक बुलंद नहीं कर सकते, तो हुक्म के ऊपर हुक्म ला सकते हैं? आपकी ताबीर पे ऊपर के ऊपर कोई अपनी ताबीर पेश की जा सकती है? आपकी तलकीन के ऊपर कोई तलकीन कोई अपने तौर पे मुसल्लत करने की कोशिश कर सकता है शौरी तौर पे ईमान की हालत में? तो यहाँ ये कैफियत बयान हो रही है कि ला तरफ़ऊ अस्वातकुम, इससे अंदाजा कीजिए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताजीम का मकाम और दर्जा अल्लाह के यहाँ क्या है। और उसके लिए फिर मुख्तलिफ और अहकाम कुरान करीम ने बयान किए, लेकिन जो उसका उसूल बयान किया वो कुरान करीम ने सूरह अहज़ाब में बयान किया कि अन्नबियु औला बिल मुमिनीन मिन अन्फुसिहिम। ये उसूल, इसमें वो भी शामिल हो गई बात, वही जो मोहब्बत नबी के दर्जे की बात थी, औला बिल मुमिनीन, मोमिनों की अपनी जान से ज्यादा औला है। औला ऐसा अरबी का लफ्ज है जो आम इस्तेमाल होता है, हर आदमी जानता है, और उसकी अगर हकीकत खोलने पर जाए तो उसमें इंसानी दर्जे में हर हर हवाले से जिस चीज को अव्वलियत हासिल हो वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारक यहाँ बयान की जा रही है। कुरान करीम के अलावा खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अहादीस में इस हवाले से आप अलैहिस्सलातु तस्लीम ने भी सहाबा किराम के आसार में भी आप के हवाले से ये बात मौजूद है। जाहिर है कि हम मैं बार बार ये अर्ज कर रहा हूँ कि हम सिर्फ इशारे ही कर सकेंगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल पेश कर देता हूँ, काना वल्लाहि अहब्बा इलैना मिन अम्वालिना व औलादिना व आबाइना व उम्महातिना व मिन अल-माइल बारिद अल-दुमा। अल-दुमा, प्यास की शिद्दत की कैफियत में आप देखेंगे वो कैफियत जब आप सहरा में है और गर्मी की शिद्दत का आलम है, उस कैफियत में महज पानी का मिल जाना ही एक नेमत है, उस कैफियत में ठंडा पानी मैसर आ जाए उस पानी से ज्यादा, क्योंकि उस वक्त इंसान को अपनी जान में अपनी जान से ज्यादा जो अजीज होगा वो पानी का एक प्याला होगा, एक गिलास होगा।
उस कैफियत में हजरत अली ये तरकीब इस्तेमाल करा। हालांकि अम्वाल की बात की है, माओ की बात की है, अम्महात की बात की, अजवाज की बात की, लेकिन आखिर में आपने कहा कि नहीं, ठंडे पानी से भी ज्यादा अजीब। ये कैफियत जब तक जहन में ना हो तो इस माहौल में बैठ के ठंडे पानी को हम वहां तशबीह के सही मफहूम के साथ आखिर नहीं कर सकते। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तआज़ीम के बाद जो दूसरा एक और हक है हमारा, पांचवा हक हम कह सकते हैं, वो है ताईद और नुसरत। कुरान करीम कहता है फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहू वनसरूहू वत्तबअुन नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। जो लोग नबी की इस कैफियत में मदद करेंगे, उनकी नुसरत करेंगे, यानी उनके काम का हिस्सा बनेंगे, तो अल्लाह ताला की नजर में वही लोग कामयाब हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी कैफियत को आपके हुकूक की इन्हीं तफसीलात को हम पेश नजर रखें तो आप अलैहि सलातो व तस्लीम की ईजा रसानी से बचाव और तहफुज भी एक हक के तौर पे सामने आता है। आप अलैहि सलातो व तस्लीम की जात को ऐसे अंदाज में पेश करना, उसके हवाले से कोई ऐसा कमजोर लफ्ज इस्तेमाल करना जो अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस्तेमाल हो तो आपके लिए वो दुख का, आपको छोड़ दीजिए हमारे लिए कोई लफ्ज इस्तेमाल करे तो वो दुख का हो, तकलीफ का हो, तो वो जाहिर है कि वो एक अलग मजमून की शक्ल इख्तियार करता है। ये हुकूक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक उनवान है दुनिया भर में नामूज़ रिसालत के हवाले से जो मुख्तलिफ बहसें जारी हैं। एक उसका आवामी शेड है, वो इस वक्त गुफ्तगू का मौजू नहीं हो सकता, वहां पर फिर बात बहुत मुख्तलिफ जिहतों में निकल जाएगी, लेकिन जो उसका असल इल्मी दायरा है या उसकी जरूरत है वो यही है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जात के उम्मत पर वाजिब और लाजिम हुकूक में से एक हक ये भी है कि इस नौइयत की किसी भी कोशिश को रोका जाए और उसका हाथ थामा जाए और कहीं पे भी किसी भी हवाले से जो भी कानूनी और अखलाकी और शरी दायरे में रहते हुए कोशिश हो सकती है वो कोशिश की जाए, यह खुद उम्मत पर एक हक के तौर पर वाजिब है। कानूनी और शरी हकूक में सबसे अहम चीज कानून साजी है पहले मरहले में, और दूसरे मरहले में उस कानून की रूह के मुताबिक उस पर अमल है। इससे ज्यादा हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इससे ज्यादा हम मुकल्लफ ही नहीं है, इसलिए वो जाहिर है कि अल्लाह ताला के यहाँ वो काबिल बहस और हमारे लिए कोई पढ़ने पढ़ाने की बात का उनवान नहीं हो सकता। हुकूक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बहस उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आपकी निस्बत से आपकी निस्बत के वारिस के तौर पर जो मौजूद अफराद और गिरोह हैं उनकी इज्जत और एहतराम का और उनकी मोहब्बत का जिक्र ना हो। याद रखने की बात यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा इस कदर बुलंद है कि आप अलैहि सलातु व तस्लीम के उस दर्जे की निस्बत हासिल होना भी लोगों के लिए दूसरों के मुकाबले में उनके एक दर्जे का तायुन बन जाता है। आप अलैहि सलातु व तस्लीम से जो ये निस्बत है ये दो तरह की निस्बत है और दो ग्रोहों को हासिल है। एक निस्बत सोहबत है जिससे सहाबी बनता है और एक निस्बत नसब है जिससे अहले बैत बनते हैं। दोनों जगहों पे ना सहाबी बतौर सहाबी कोई हैसियत रखता है
ना अहले बैत में कोई शख्स बतौर अहले एक आम फर्द क्यों कोई ऐसे करता है, दोनों को जो मकाम हासिल हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हासिल हो रहा है कि उसको ज़ात रिसालत पाप अलैहिस्सलाम तो तस्लीम से नस्बत हासिल हो रही है। जब हम ये बात जहन नशी कर लें कि यह मकाम नस्बत नबूवत का एजाज है, नस्बत नबूवत की आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर ये बात समझना बहुत आसान हो जाएगा कि उस नस्बत वो नस्बत जिस कदर कवी होगी उस कदर दर्जा बुलंद होगा। और ये कुरान का मजमून है, मेरा मजमून नहीं है। कुरान करीम सहाबा किराम के लिए एक तरकीब इस्तेमाल करता है, अस्साबिकून अल अव्वलून मिन अल मुहाजिरीन वल अंसार। साबिकून अल अव्वलून क्या है? सीरत निगारों ने, मुफस्सरीन ने मुख्तलिफ दर्जा बंदी की है, और वो दर्जा बंदी खुद अजल सहाबा जलीलुल कदर सहाबा किराम के हाँ तस्लीम शुदा है। एक वो है जो बिल्कुल इब्तदा में मुसलमान हुए, और उन पर आगे हम बात करेंगे क्योंकि वो हमारी फहरिस्त बड़ी महदूद है, हम कुदरती तौर पर बहुत सारी चीजें महदूद करने के आदी हैं, वो भी महदूद कर ली। लेकिन ठीक है, जितने भी हैं जो भी हैं, फिर उनमें एक तकसीम आती है हिजरत से पहले के, फिर उसमें तकसीम आती है असहाब बदर, फिर उसमें तकसीम आती है एक असहाब उहद की, फिर उसमें तकसीम आती है सुलह हुदैबिया बैत रिजवान की। इस सारी तकसीमें मुतय्यन हैं, मौजूद हैं, मुत्तफ़क़ा हैं। तकरीबन अशरा मुबशरा, अशरा मुबशरा का मफहूम ये नहीं है कि इन दस को बशारत हासिल है, इन दस को एक सांस में एक रिवायत में बशारत हासिल है। बशारत हासिल होने वाले मुबशरीन बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से बशारत जन्नत हासिल होने वाले साहबा काफी हैं। उनके अलग काम हुए हैं, किताबें लिखी गई हैं, वो रिवायतें इकट्ठी की गई हैं। इन तमाम में जो दर्जाबंदी है वो इसी एतबार से कि ईमान पहले कौन लाया, और जिसने पहले ईमान कबूल कर लिया वो अल्लाह ताला क्या मौजूद मोहतरम और अपने दर्ज दूसरों के एतबार से बलंतर होता चला गया। क्यों? क्यों? इसलिए कि उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत ज्यादा हासिल, जिसने जितना ज्यादा वक्त ज़ाते रिसालत के साथ गुजारा है उतना ही ज्यादा मोतबर है, उतना ही ज्यादा मोहतशम है, उतना ही ज्यादा मुकद्दम है। लेकिन बराबर बरक्स, ये इसके पैरेलल कह, बरक्स ना कह, एक और तबका है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से, खानदान से, नसब का रिश्ता हासिल है, उन्हें अहले बैत कहा जाता है। वो जो अहले बैत का तबका है, जैसे सहाबा किराम में सोहबत की बुनियाद पर उनका दर्जा मुतय्यन होगा, इसी तरह यहाँ नसब की कुर्बत की बुनियाद पर उनका दर्जा मुतय्यन होगा। यहाँ उम्र और यहां सोबत का दायरा नहीं देखा जाएगा, यहां नसब की कुर्बत देखी जाएगी। जिसको जितना नसब कहीं भी हासिल है उनको उतना ही अहले बैत के साथ, अहले बैत की हैसियत से उनका दर्जा बुलंद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, और फिर बाद के सहाबा ने, सहाबा किराम ने उस हवाले से बहुत से अहकाम बयान किए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के हवाले से जो अहकाम मौजूद है तो तफसील बहुत वाज़े है। फिर खुलफाए राशिदीन जो दर्जा ईमानियत में सबसे बुलंद भी है, उनका दर्जा बुलंद बयान करते हुए कुरान ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदी नाकू अलैहि बिन नवाजिस फरमाया। उसके अलावा दूसरे अहकाम मौजूद हैं। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत के हवाले से भी मुख्तलिफ शख्सियात को नाम लेकर भी अलग बयान किया, हजरत हसनैन को अलग मकाम अता किया, हजरत फातिमतुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सैयदतुन्निसा अहले जन्नत करार दिया, हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए अलग इनफरादी तौर पर अहकाम आता है। लेकिन तरक्तु फीकुम मुस्तक़लैन किताबुल्लाहि व इत्रत, अलग से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हुक्म के तौर पर, एक नस के तौर पर हमें अता किया, और फिर उस आप अलैहिस्सलाम तस्लीम का जो
अहलेबैत के हवाले से जो अहकामात हैं, जो हिदायात हैं, उनका ताल्लुक खास तौर पर मोहब्बत नबवी का इजहार है। और ये बिल्कुल फित्री अमल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का बुनियादी हिस्सा है। आप अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि खाला जो है ना माँ की तरह है। क्यों? माँ से रिश्ता है ना उसका, बहन है सगी। भाई के लिए कोई लफ्ज इस्तेमाल किया, और फिर आप अपनी तौर पर आप देखें अपने अजीजों के लिए जो आपके जिस तरह की भी कराबत थी, नसबी कराबत वालों के लिए भी, आपकी रजात के जो रिश्ते उस्तवार हुए उनके लिए भी आपने हर निस्बत का एहतराम किया, हत्ता कि उससे आगे जाकर मुअज्जिज़ीन की निस्बतों का भी एहतराम किया। हातिम दाई की बेटी आपके पास आती है, आप पूरा इज्जत और एहतराम करते हैं। वो इज्जत और एहतराम है, खातून के आने का तो एहतराम था, लेकिन उसके बाप की शोहरत का और उसकी नेकी का भी तो एहतराम था। तो जब ये इस कदर दूर जाकर इस कदर कमजोर निस्बतों के साथ रियायतें मिल सकती हैं, एहतराम किया जाना, एहतराम का ये जवाज है, तो खुद ज़ात रिसालत बाब अलैहिस्सलाम के खानदान के साथ जवाज कैसा नहीं होगा। और इसको अगर हम इंसानी दर्जे में देखें, आपने अपने अमल में देखें, तो हमारा क्या रवैया होता है? हमारा कोई दोस्त है दुनिया से गुजर गया, उसके खानदान से ताल्लुक नहीं रहा, और एक उसके खानदान का कोई नौजवान बहुत अरसे बाद हमें मिलता है और रिश्ता तारुफ कराता है, वो आपके जो दोस्त है मैं उनका बेटा हूँ, क्या करेंगे आप? दुत्कार देंगे उसको? मतलब हम जैसों के लिए तो मुमकिन नहीं है। हम तो उसको बिठाएंगे, पूछेंगे उसके खानदान के हालात, पूछेंगे अब तक कहाँ गायब रहे, क्यों अब तक रब्ता नहीं रहा, और अब क्या कैसे आना हुआ, जरूरत क्या है, कर क्या रहे हो, मेरे लायक तो खिदमत है। ये इंसानी रवैया है, ये हमारा मामूल है हम सबका। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से जो ये नस्बी ताल्लुक के हवाले से जो मोहब्बत का इजहार है, ये ईमान का उसी तरह इजहार है जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने ताल्लुक का इजहार हो। इसलिए कि किसी भी शख्सियत के साथ ताल्लुक हो तो उसके अतराफ में मौजूद शख्सियात से ताल्लुक अज खुद, चाहे हम जानते हो चाहे हम नहीं जानते, इस उस्तवार हो जाता है। ये हुकूकुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अलग उनवान है। और फिर हुकूकुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये तवील बहस है, इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो एक अहम उनवान और हम आखिरी उनवान के तौर पे बयान करेंगे वो है आप अलैहिस्सलातु तस्लीम पर दुरूद व सलाम पेश करना। सलातो सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, यह ईमान का तकाजा है, शरी हुक्म है। उसकी जो शरी तकीफ फुकाहे किराम ने बयान की है वो अलग है। एक मजलिस में एक बार नाम आया और एक बार अगर आदमी इंसान दुरूद शरीफ पेश कर दे तो उसका फर्ज अदा हो जाता है, लेकिन यह मामला फर्ज का है नहीं, ये मामला शरी से ज्यादा अखलाकी है, अखलाकी से ज्यादा मोहब्बत का इजहार का है, निस्बत का है, ताल्लुक का है। यहाँ ये दुनिया के कायदे और जाब्ते पर पीछे रह जाते हैं। कैसे मुमकिन है एक मुसलमान के लिए, शायद उसको बावर करना मुमकिन ना हो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता रहे और दुरूद ना पड़े, वो मुमकिन कैसे है? क्या हम उस वक्त ये इंतजार करें कि दो घंटे की नशीत में हमने शुरू में एक बार दुरूद पढ़ दिया था, अब हमें आखिर तक पढ़ने की जरूरत नहीं? ये जो तकाजे बयान किए जाते हैं ये इंसान को रिलीफ देने के लिए होते हैं। यानी अगर इंसान भूल जाए, यानी अगर किसी उजर की वजह से ना पढ़ सके, यानी अगर कोई और ऐसा आरिस पेश आ जाए जिसकी वजह से उसके लिए दुश्वारी हो, तो ठीक है एक बार तो कम अज कम पढ़े, वरना तो फिर मामला नाजुक सूरत हाल में और नाजुक हदूद में दाखिल हो जाएगा। ये असल मफहूम होता है, ये नहीं होता कि हम उससे उस मोहब्बत के इजहार के छोटे से वसीले को, जो सिर्फ ज़ात रिसालत में आप अलैहिस्सलात व तस्लीम से मोहब्बत का इजहार नहीं है, बल्कि आप अलैहिस्सलात व तस्लीम की मोहब्बत से की बरकत से खुद अपने कमाई का एक तरीका है, अपनी आखिरत को मुनव्वर करने का एक ज़ाब्ता और रास्ता है जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया है। तो ये एक हक है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर उम्मती पर कि आप अलैहिस्सलात व तस्लीम का नाम पढ़े या लिखे या सुने या समझे या कान में पढ़े या ऐसे ही ख्याल गुजरे तो उसको जरूर जरूर पेश करें। हुकूक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बहस के बाद दूसरा जो बड़ा उन्वान हमारे सामने है वो है मकासिद बेअसत का।
और जैसा हमने इब्तिदा में अर्ज किया, नबी मुकर्रम अलैहिस्सलात व तस्लीम की सीरत मुबारक के मुताले के एक जहत ये भी है कि हम मकासिद बेसत को सामने रखें ताकि मुताले की जहत मुतय्यन हो सके और हम फिर उसकी रोशनी में आप अलैहिस्सलात व तस्लीम की सीरत को पढ़ सके। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकासिद बेसत आमतौर पर बहुत वाज़े हैं और नुमाया हैं। जो चीज़ें आम बयान नहीं होती उनको थोड़ा मिसरा वजाहत से पेश करेंगे, बाकी हम सरसरी जिक्र करेंगे। कुरान करीम में एक से ज़ायद मकामात पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का जिक्र किया गया है और फिर उस बेइज्जत को बयान करते हुए आपके मकासिद बयान हुए और वो मकासिद की तरतीब हर मकाम पे अलग अलग है, मतलब एक से ज़ायद मकाम पे एक से ज़ायद तरतीब है। सबसे पहले कुरान करीम में सूरह बकरा में रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिन्हुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व युज़क्कीहिम, यहाँ तज़किया बाद में है। ये उस वक्त की बात है जब बैतुल्लाह की बुनियादें हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठा रहे थे, उस वक्त ये हज़रत इब्राहिम ने और हज़रत इस्माइल उनके साथ हैं, उन्होंने ये दुआ की। दूसरे मकाम पर यही सूरह बकरा में कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिक्मा, यहाँ तज़किया पहले है। तीसरे मकाम पे लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन आले इमरान में बयान किया, यहाँ एहसान का जिक्र हो रहा है, एहसान का सिर्फ जिक्र नहीं हो रहा, एहसान जताया जा रहा है। मन्नल्लाहु, अल्लाह ने एहसान किया है तुम पे, क्या एहसान किया है कि तुम्हें एक रसूल अता किया, बाज़फीम रसूल मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा, और फिर बिल्कुल आखिर कुरान करीम से पहले 28वें पारे में हुवल्लज़ी बअथ फिल उम्मीयीन रसूलन इनमें ये चार चीजें बयान हुई हैं, तिलावत यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम तज़किया व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। तिलावत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अलग मकसद बेअसत है। आज क्या कुछ अरसे से कुरान करीम की तिलावत को, महज तिलावत को कोई मकाम नहीं दिया जाता। बहुत सवाल पैदा होते, कुरान पढ़ लिया रट लिया समझ में तो आता नहीं। जिस बच्चे को उर्दू या अंग्रेजी पढ़ाते हुए फॉर एप्पल या अलिफ से अनार पढ़ाया जाता है उसको अनार समझ में आता है? ये फॉर एप्पल उसको आता है समझ में? उसके पास वो सेब या अनार की सारी फनी और तकनीकी खूबियां, उनके अज्जा, उनका इस्तेमाल, उसके फवायद होते हैं पेश नजर? अच्छा, हम समझाना चाहे समझ जाएगा तो छोड़ दे पढ़ाना, उसको कहेंगे दसवीं क्लास के बाद आना मेरे पास फिर पढ़ाएंगे एक फॉर एप्पल, तो दसवीं तक पहुंचेगा कैसे? कुरान करीम की तिलावत अलग मकसद होने का मतलब यह है कि महज रटना, महज पढ़ना, महज नजर से गुजारना यह अलग दर्जा है, अलग मकाम है, अलग फरीजा है, अलग सवाब है, अलग दर्जा है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मारूफ रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि ये कुरान करीम की तिलावत का मकाम है कि इस पे एक हर्फ पे 10 नेकियां मिलती हैं। और उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि बल अलिफुन हर्फुन वलामुन हर्फुन वमीमुन हर्फ, अलिफ लामी में एक हर्फ नहीं है, अलिफ अलग हर्फ है, लाम अलग हर्फ है, मीम अलग हर्फ है, माना करो इसका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां मिसाल ही ऐसी थी जिसका माना कोई बुखरात बयान ही ना कर सके, क्या माना अलिफ लाम मीम का? तो हुजूर तो कह रहे हैं इसमें 30 नेकियां मिल रही हैं। और जब शरीयत का बुनियादी इशारे नबी एक चीज पे कह रहा है इस पे नेकी मिल रही है, तो दुनिया जहान की दानिश उसके कदमों में ही है, उसके कदमों की धूल से भी कम चीज है ना।
एक मुसलमान के लिए जो कलमा गो हो, इसके बाद किसी और दलील की जरूरत है, एक बात। दूसरी बात और है, कुरान करीम तिलावत के बगैर नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती। कोई नमाज, नमाज छोड़िए, कोई एक रकात भी नहीं हो सकती जिसमें सूरह फातिहा ना पढ़ी जाए। सूरह फातिहा पढ़ते हुए तो चले ठीक है, अगर तर्जुमा आता है, एक शख्स पढ़ा हुआ है और बहुत तेजी से सूरह फातिहा पढ़ रहा है तो तर्जुमा थोड़ा बहुत जहन में आ जाएगा, लेकिन उस वक्त भी क्या गौर व फिक्र की गुंजाइश होगी जब हम नमाज पढ़ रहे हैं? बहुत ठहर कर पढ़ी, कितने मिनट में पढ़ेगा एक रकात? कोई एक शख्स तहज्जुद और नवाफिल की बात नहीं कि रात में कोई बड़े बुजुर्ग खड़े हुए और बड़े दर्जे के मुत्तकी और मुतदय्यन और फकीह और मुज्तहिद हैं, उनका दायरा अलग है, उनका जहन ही इस नुक्ते पे चलता है। मैं बात कर रहा हूँ अपनी सतह पे कि जो गौर व फिक्र का हुक्म है वो तो हर शख्स के लिए है ना, और जब ये सिर्फ तिलावत करने की नफी की जा रही है तो वो हर एक के लिए की जा रही है ना। इमाम हनीफा और हसन बसरी और इमाम औज़ाई तो मुराद नहीं है वहां पे। क्या हमारे लिए मुमकिन है कि तिलावत भी कर रहे हो और कुरान करीम की और नमाज भी पढ़ रहे हो और बल्कि पढ़ा भी रहे हो और गौर व फिक्र भी कर रहे हो? फिर गौर व फिक्र ही हो सकता है, नमाज की 4 रकात तो मुकम्मल नहीं होगी। पता नहीं कितनी रकात के बाद सलाम फेरेंगे और पता नहीं एक रकात में कितना कितने देर खड़े रहेंगे, पीछे से आवाजें आना शुरू हो जाएंगे, हो सकता है लोग वैसे ही भाग जाए, चले बड़े साहब का दिमाग आज घूम गया है। तो ये तिलावत अलग मकसद है कुरान करीम की इस रोशनी में मकासिद बेसत में। बार बार कुरान करीम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास जिक्र फरमा के, आपकी बेसत का जिक्र फरमा के इसको जिक्र किया है। दूसरा यकीन, तस्किया। तस्किया का मफहूम है अंदर के इंसान को इंसान बनाना। हम नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, जकात दे रहे हैं, आप कुरान करीम की सारी आयात नमाज की, रोजे की, जकात की देख लीजिए, हर एक का मकसद तकवे का उसूल है। किस लिए है ये? तकवे का उसूल। नमाज क्यों, क्या है? इन सलात तना अनिल फाशा वल मुनकर, इंसान फाशा और मुनकर से बच गया, मुत्तकी हो गया, तकवे का उसूल। इसका मफहूम ये हुआ कि एक तो नमाज और रोजे की जाहिरी शक्ल है लेकिन उससे मकसूद इंसान के अंदर की उन कैफियात को तब्दील करना है जिनकी वजह से मुआशरे में मसाइल पैदा होते हैं। मुआशरे को इससे कोई मतलब नहीं है कि मैं नमाजी हूं या नहीं नमाजी नहीं। मुआशरे को इससे मतलब है कि मैं दयानतदार हूं या दयानतदार नहीं। इस्लाम का तसव्वुर यह है कि अगर मैं नमाजी होऊंगा तो यकीनन दयानतदार भी होऊंगा, मैं अगर रोजा रख रहा हूं तो यकीनन मैं लोगों का खैर ख्वाह भी हूं, मैं अगर जकात दे रहा हूं तो 100% ये बात है कि लोगों के लिए मेरे दिल में नरमी है, तलत्तुफ है, उनको फायदा पहुंचाने का जज्बा है और उनकी मजर्रतें और उनके रास्ते के कांटे दूर करने का रवैया है। और अगर ये नहीं है तो इसका मतलब यह है कि इन सलात तना अनिल फाशा वल मुनकर, हमारी नमाज हमें फाशा और मुनकर से रोकने का बाइस नहीं बन रही, तो नमाज में कोई कमजोरी है। और नमाज में कमजोरी का मतलब नफ्स से नमाज में कमजोरी नहीं है, वो कुरान की नस है, उस नमाज की जो हमारे आजा और जवारे के जरिए अदायगी हो रही है उसमें नफ्स है। मैं उस तरह नमाज अदा नहीं कर पा रहा जिस तरह अदा करनी चाहिए। इसकी भी दो सूरतें, या तो मैं वजू ही नहीं कर रहा, पाक ही नहीं हूं, लेट गया अल्लाह के आगे जाके, जाहिर है कि उसके तकाजा पूरा नहीं किया, जिस्म पाक नहीं है, नीयत पाक नहीं है, जिस कपड़े पाक नहीं है, जिस जगह सजदा रेज हूं मैं वो जगह पाक नहीं, और या ये कि दिमाग पाक नहीं है, सजदा मैं रब को कर रहा हूं दिमाग में मेरे बुत सजे हुए, ये तौहीद की कैफियत नहीं है, ये तौहीद की जाहिरी कैफियत है, ये इस्लाम है ईमान नहीं है। ईमान तो इंतियाद बातनी का नाम है, अंदरूनी आदमी को इंसान बनाने का नाम है, बल्कि अंदर के दरिंदे को मुसलमान करने का नाम है। यह है तस्किया। वयअल्लिमुहुमुल किताब, अब तिलावत तो हो चुकी, तीसरा मकसद यअल्लिमुहुमुल किताब क्यों बयान किया? ये खुद इस बात की दलील है कि यह तालीम किताब तिलावत किताब से अलग है, ये खुद इस बात की दलील है। अब वो क्या है? वो ये है कि ये क्या है अलिफ लाम में, दालिकल किताब ला रही बती हुदल्लिल मुत्तकीन, ये हुदल्लिल नास क्यों कहा कुरान ने, ये हुदल्लिल मुत्तकीन क्यों कहा? ये एक ही वक्त में हुदल्लिल नास है तो कैसे है, हुदल्लिल मुत्तकीन है तो कैसे है? अल्लज़ीन युमिनूना बिल गैब का मफहूम क्या है, क्यों गैब का इल्म होना चाहिए, अल्लाह को बिन देखे क्यों पहचाने, और फिर उसमें मुत्तकी कौन है,
शुरू में ही कहा ना कि ये हिदा हुदल लिल मुत्तकीन है, तो शुरू में उसकी शराइत भी बयान करती, कौन है अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ये छह शराइत में जिनमें मौजूद है, उलाई का आला हुदम रब्बिहिम व उलाई का उमर मुस्लिम, ये कामयाब भी हैं, ये हिदायत पर भी हैं और यही मुत्तकी हैं। ये है इब्तदाई दर्जा, हमारी सतह का दर्जा, अहले इल्म से का दर्जा आगे बुलंद। ये है तालीम किताब। और फिर एक है तालीम हिकमत, जो चौथा दर्जा कुरान करीम ने अंबिया किराम अलैहिस्सलात व तस्लीम की के मकासद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद में बयान किया है, वह तालीम हिकमत बयान किया है। हिकमत का ताल्लुक मुख्तलिफ अंबिया किराम के साथ है। कुरान करीम ने वक़द अल दाऊद जालूता वआताहुल्लाहु मुल्क वल हिकमा, दाऊद ने जालूत को मार दिया और अल्लाह ने उनको क्या दिया था, मुल्क दिया था और हिकमत दी थी। वही अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबीयीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, अल्लाह ताला ने अंबिया से जो मीसाक लिया उसमें किताब और हिकमत अता की। फ़क़द आतैना आला इब्राहीम अल किताब वल हिकमा, इब्राहिम को किताब और हिकमत अता की। वलक़द आतैना लुक़मान अल हिकमा, लुक़मान को हिकमत अता की वगैरह। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हिकमत अता की गई, इस लफ्ज़ से ये अंदाज़ा होता है ये उस हिकमत का जिक्र है, यानी कुरान करीम के अलावा जो कुछ अंबियाए मासबक को दिया जाता रहा है वो हिकमत है। और वही हिकमत जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब होगी तो वो हिकमत नबवी होगी, आप हिकमत मुहम्मदी होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आज हमारे दरमियान अगर है तो वो सुन्नत और सीरत की रोशनी। ये चौथा मकसद बेसत है। हमारा मामला ये है कि हम आम तौर पर मकासिद बेसत को इन चार तक महदूद करते हैं। कुरान करीम का मुताला ये बताता है कि मकासिद महदूद नहीं, मकासिद नबूवत में और भी इजाफे मुमकिन है। पांचवा मकसद तस्कीर है। कुरान करीम ने وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ عَهْدِ أَلَسْ جِسْكُو کہا جاتا ہے قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ یہ پورا واقعہ جس میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب ہم تیرے رب نے بنی آدم کی پشت سے تمام اولاد آدم کو نکالا، ان کو گواہ بنایا، تو ان کو کہا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، انہوں نے کہا قَالُوا بَلَىٰ، کیوں نہیں، آپ ہی ہیں، آپ کے علاوہ اس وقت تو کوئی تھا ہی نہیں، یہ سب تو بعد میں پیدا ہوئے نا۔ تو उस वक्त जो खबर दी थी, जो अहद दिया था, उस अहद की को दोहराने का काम अंबिया इकराम करते रहे, ये उनका बुनियादी मकसद है। तस्कीर का माना होता है दोहराना, याद दिलाना, भूली हुई बात को ताजा करना और उसको ज़हनों में मुस्तहज़र करना। कुरान करीम मुज़क्किर फ़इन्नज़ ज़िक्रा तन्फ़उल मोमिनीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बराह रास्त हुक्म दिया जा रहा है ज़िक्र तस्कीर का, फ़इन्नज़ ज़िक्रा तन्फ़उल, ये आपकी जो तस्कीर है ये लोगों को मोमिनीन को फायदा देगी। क्यों फायदा देगी? कि उसके नतीजे में वो जो पैगाम हल्का सा जहन से ओझल हो गया था वो ताज़ा हो जाएगा, वो उस पर अमल पैरा होंगे, यकीनन उनके लिए फिर दुनिया का कि ये जिंदगी आखिरत की जिंदगी की तकमील का तामीर का बाइस बन जाएगा। छठा मकसद बेसत इंजार और तबशीर। कुरान करीम ने रसूल मुबशरीन व मुनज़िरीन भी कहा है, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नास बशीरन व नज़ीरन खास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमाया। इसी तरह मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ अंबिया इकराम को मुनज़िर और इस नौयत के लफ्ज़ों से याद किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान करीम में एक और आयत बयान होती है, आप फरमा अल्लाह ताला कहता है कुल, आप इनसे पूछिए, आप अलैहिस्सलाम तस्लीम को खिताब है, आप कहिए, आप इनसे पूछिए क्या अय्यु शैइन अकबरु शहादा कुलिल्लाहु शहीदुम बैनी व बैनकुम, आप इनसे पूछिए कौन सी गवाही बड़ी है, आप कह दीजिए मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाह है। क्यों? कि आखिरत में जाएंगे ना, आखिरत का फैसला होगा, आखिरत में तो अल्लाह से बड़ी कोई गवाही होगी नहीं। और यह कुरान करीम मुझ पर इसलिए नाजिल किया गया है ताकि मैं तुम्हें इसके जरिए खबरदार करूँ, लियुनज़िरकुम बिही व मन बलग, ये इंतजार है
ये कुरान करीम ने फरमाया। किताब नुह के मत आया तो सुम्मा फुस्सलत मिन लदुन हकीमिन खबीर अल्ला ताबुदू इल्लल्लाह इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुन व बशीर। कुरान करीम के मजमून के हवाले से इंजार और तबशीर का जिक्र बहुत वाज़े है और वो बहुत आसानी के साथ हमारे जहनों में महफूज हो सकता है। सातवां मकसद तबयीन किताब है। कुरान करीम के लिए खुद कुरान कहता है, अल्लाह ताला कुरान करीम में कहता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये कुरान करीम हमने नाजिल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। और उसके बाद फरमाया कि अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीन। यहाँ इकमाल दीन भी है, इतमाम नेमत भी है और पसंदीदगी भी है। व रदीतु लकुम इस्लाम दीन, ये पूरे दीन के हवाले से गुफ्तगू है। अब इस दीन की वजाहत और उसके उन पहलुओं को रोशन करने की जिम्मेदारी भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। उसके लिए कुरान करीम ने अलग से इशारा करते हुए फरमाया कि वंजलना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नास, कि हमने कुरान इसलिए नाज़िल किया ताकि लितुबय्यिना लिन्नास, कि आप उनके सामने ये अहकामात वाज़ेह तौर पर बयान कर दें। तो ये नबूवत की एक और जिम्मेदारी और मकासिद है। और आठवां मकसद अरात है, इल्म नूर मारिफत हिकमत बसीरत। जिस दर्जे में अल्लाह ताला ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की, आपका इख्तिसास है, ये इम्तियाज अंबिया में भी मौजूद है। कुजा के बाद की मखलूक के साथ इसका कोई ताल्लुक हो, कोई नस्बत हो, अंबिया में भी आप इसके साथ मुमताज हो। ये कैफियत आपको इसलिए अता की गई कि इसके जरिए इसकी रोशनी उम्मत तक आप पहुंचाएं। इन्ना अंजलना इलैकल किताबा बिलहक्क लितहकुमा बैनन्नास बिमा अराकल्लाह, आप उसके साथ फैसला करें जो आपको अल्लाह ताला ने अता किया, बिमा अराकल्लाह। ये अराद, ये है वो अलग मकसद जो आम कुरान करीम ने अलहदा उनवान के तौर पर बयान किया है। और फिर एक आखिरी उनवान जो हम इस मौजू पर बयान करते हैं वो है तबलीग दावत। कुरान करीम ने बिल्कुल इब्तिदा में जब दावत का आगाज हुआ उसके लिए जो हुक्म अता किए वो दो अहकाम हैं, आगे चल के इस पर बात होगी। वह अंजिर आशीरतक अलअक्रबीन और फसदा बिमा तुमर वारिदन मुर्शिद। लेकिन दावत और तबलीग के लिए कुरान करीम ने कई मकाम पे अलग अलग उसलूब में बयान किया। उदऊ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, ये दावत के उसूल है, ये अलग उनवान है, इस पर हम बात कर चुके हैं यहीं पे। ये अलग मकसद नबूवत है, दीन को आगे मुंतकिल कर। ये जितने मकासिद हैं ये खत्म नबूवत की निस्बत से बल्कि बरकत से कह रहे उम्मत का फरीदा शुमार होते हैं। तिलावत महज नबूवत तक महदूद नहीं है, हर हर उम्मती की जिम्मेदारी है। तालीम किताब और हिकमत पहले हासिल करना फिर आगे मुंतकिल करना, यह हर हर उम्मती की जिम्मेदारी है। तज़किए से अपने आप को मुनव्वर करना, अपने आप को कम से कम, यह हर हर उम्मती की जिम्मेदारी है। इसी तरह इंजार और तबशीर के वह अहकाम जो कुरान करीम ने बयान किए हैं, जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किए हैं, उनको लोगों तक मुंतकिल करना, ये हर हर उम्मती की जिम्मेदारी है। तो दावत के ज़िमन में ये तमाम अहकाम जिनको हम मकासिद बेसंत के तौर पर बयान कर रहे हैं, ये उम्मत की जिम्मेदारी है। और हम इसको इसका एक उम्मती की हैसियत से बुनियादी फरीजा समझते हैं। मकासिद बेसंत को मजीद वाज़े किया जा सकता है, लेकिन जाहिर है कि वो
तफसील उस दर्जे में हमारे हमारा मकसूद नहीं है। इसलिए हम अगले उनवान की तरफ जाते हैं। जो अगला उनवान है बराह रास्त के मबाइस शुरू करने से पहले अरब और अरब के जुग्राफिये पे कुछ बात करना चाहेंगे और हस्ब रिवायत तरतीब यही रहेगी कि हम अपने वक्त को पेश नजर रखते हुए जिस हद तक मजमून मुकम्मल हो सकेगा उस पर आज की नशीस्त खत्म करके आइंदा नशीस्त वहीं से शुरू करेंगे जहां से हमने इस नशीस्त। अरबों की जब बात होती है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होती है तो आप चूंकि जज़ीरतुल अरब में तशरीफ लाए इसलिए अरबों का जिक्र नागुजीर है। अरबों का जिक्र आएगा तो अरब क्या है, अरब का जुग्राफिया क्या है, अरब के अक्वाम क्या है, अरब के कबाइल क्या है, अरब का मिजाज क्या है, अरब के मजाहिब क्या है, अरब की अच्छाइयाँ क्या और बुराइयां क्या है, फिर ये सारी बातें मेरे बहस आएंगी। तो हम कोशिश करते हैं कि मुख्तसरन इन मौजूआत को आज की नशीस में मुकम्मल कर लें। अरब की वजह तस्मिया में दो बड़े कौल बयान किए जाते हैं। एक तो ये कहा जाता है कि अरब का लफ्ज सबसे पहले और अरबी जबान सबसे पहले यारो बिन कहतान ने इस्तेमाल की। ये जो अहले यमन थे, अरबों का आगाज यमन से हुआ है बहुत ज्यादा। हिजाज विजाज तो बहुत बाद में हजरत इब्राहिम के जमाने में हजरत इस्माइल की बरकत से हुआ है, थोड़ा सा जिक्र आगे करते। तो यमन पहले से आबाद इलाका है और यसरब भी यमन की वजह से आबाद हुआ और दूसरे इलाके भी। तो यमन के कबाइल के का जो जद अमजद है वो यारो बिन कहतान है, यानी कहतानी है। अरबों की जो नसब की एक तकसीम है उसमें दो नाम बड़े वाजे आते हैं, एक अदनान एक कहतान। अदनान वो नसब है जो ज़ात रिसालत मा बला सलात व तस्लीम का है और कहतानी उसके बिलमुकाबिल दूसरा बड़ा अरबों का कबीला। नसब अदनान और कहतान के नाम से अलग से तहरीरी काम मौजूद है और किताबें लिखी गई। तो यारूब बिन कहतान ने ये जबान इस्तेमाल की, अरबी जबान सबसे पहले कहा जाता है तो अरबी यारूब के सबसे अरब हो गए। एक राय ये बयान की जाती है कि जब हजरत इस्माइल और उनकी औलाद आके आबाद हुई तो ये सारा था दश्त था, उसको अरबा कहते हैं, अरबा दश्त को कहते हैं। तो वहां जो जबान शुरू हुई उसको अरबी कह दिया गया या वहां जो रहने वाले लोग थे उनको अरब कहा जाने लगा। और एक कौल ये भी है कि अरब जो है बुनियादी तौर पे उर्ब से है, उर्ब ऐन पर पेश है और रा पे जज्ब है। और ये ऐसी कौम को कहा जाता है या ऐसे गिरोह को कहा जाता था जो बुहरा अहमर के मशरिक में बसते थे। ये पूरा अरब बुहरा अहमर के साथ साथ है और इनके मुकाबिल फिर सब पूरी कौम को अजम कहा जाता है। आप अलैहि सलात व तस्लीम से एक रिवायत है, किस दर्जे की है ये तो हम नहीं बयान कर सकते। आपने फरमाया कि पांच अंबियाए किराम अरब से ताल्लुक रखते हैं यानी अरबी उल-असल है। आपने अपना जिक्र फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत इस्माइल, हजरत शुएब, हजरत सालेह, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, ये अरब हैं, बाकी दायरे के दूसरे इलाकों में पैदा हुए। अरब के जुग्राफिये की हमने एजाज सीरत में ये बात बयान की पहले निशान, इस खित्ते की एक खूबी इसका मरकज और वस्त में होना है और ये बात दायरे के जुग्राफिये से ही वादे होती है। तो देखिए कि अरबों की या इस खित्ते की अहम तरीन खूबी यह है कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों के वस्त में मौजूद है। तुर्की से निकल के यूरोप का रास्ता वाजे है, मिस्र के जरिए अफ्रीका करीब मौजूद है और एशिया के अंदर ये खुद है। और एशिया में भी फिर उसका जो वजूद है वो ऐसे मकाम पर है कि उसके चारों तरफ बर्री और बहरी रास्तों से
जाना मुमकिन है। बहुत से रास्ते खुश्की के हैं, लेकिन अगर खुश्की ना भी हो तो पानी के रास्ते से बड़े आराम से निकला निकल सकते हैं। इसके एक जानब खुश्की है, उसके जुनूब में बहर अरब है, हिंदुस्तान है, मशरक में खलीज उमान है, खलीज अरब है, खलीज फारस है, बहरीन है, जुनूब मशरक़ी इलाक है, मगरब में बहर अहमर है, हफशा है, सूडान है, उर्दन है, फलस्तीन है, मिस्र है, शाम में शिमाल, शाम शिमाल में शाम और इराक है, और शिमाल मगरब में खलीज अकबा और शिमाल मशरक में दरियाए फुरात बह रहा। ये तो उसकी बुनियादी अतराफ के इलाके हैं। ये बातें ज़्यादा बेहतर होता कि हम उसको किसी चार्ट और नक्शे की सूरत में समझाते, लेकिन अब ये चीज़ें बहुत आसान हैं, आप इसको थोड़ा सा जाके देखेंगे नक्शे की सूरत में तो बहुत वाज़ेह हो जाएगा। अरब खलीज फारस से लेकर बहरे अटलांटिक तक पहुंचा हुआ है, फैला हुआ है, और इसका मजमूई रकबा 45 लाख मुरब्बा मील से ज्यादा बयान किया जाता है। 45 लाख मुरब्बा मील से ज्यादा इलाकों को सिर्फ अरब कहा जाता है। अरबों की जोग्राफियाई तकसीम में 5 उनवान बयान किए जाते हैं, तहामा, हिजाज, नजद, यमन और उरूज। तहामा इंतहाई गर्म इलाके को कहते हैं, ये बहर अहमर से नजरान तक का इलाका, नजरान इसका सऊदी अरब का हिस्सा है। ये तहामा कहते ही इसको उसकी शिद्दत और झुलसा देने वाली गर्मियों की वजह से, एक तो मौसम गर्म है, दूसरा नीचे सहारा है, तो सहारा खुद तपिश में इजाफा करता है। दूसरा इलाका और असल अरब का खुलासा, अरब का जौहर, वो हिजाज है। हिजाज के शिमाल में यमन और मशरक में तहामा है। ये जबल उसरात का एक तवील सिलसिला है जो शाम से लेकर नजरान तक, मतलब नजरान जहाँ खत्म होता है वहां से अरब हिजाज शुरू हो जाता है। और हिजाज को हिजाज इसीलिए कहते हैं कि ये तहामा और नजद को के हद फासिल है, इन दोनों को अलग करता है। नजद यमन से शुरू होकर शाम, समावा, इराक और उरूस तक पहुंचता है, और यमन का इलाका फिर जुनूब में नजद से लेकर बहर अहमर तक चला जाता है मगरब में, और उरूस के इलाके में यमामा, बहरीन और उमान शामिल है। अरब में 3 बड़े कबाइल, 3 नौयतों के बड़े कबाइल शुमार होते हैं, अरब आरबा, अरब बायदा, अरब आरबा, अरब मुस्तारबा। अरब बायदा वो कबाइल हैं जो आए और किसी न किसी वजह से, जिनमें बड़ी वजह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले मुख्तलिफ अंबिया का जो मामला था कि उनकी नाफरमानी पर उन पर होने वाला अज़ाब, आद और समूद खत्म हो गए, ये अरब बायदा में शुमार होते हैं। अरब आरबा और अरब मुस्तारबा का मतलब है असल अरब और बाद में बनने वाले अरब। आरबा वही यारो बिन कहतान की औलाद को कहा जाता है, और मुस्तारबा हजरत इस्माइल की औलाद को कहा जाता है आला नबी वाले सलात व तस्लीम। ये 3 कबाइली तकसीमें हैं। अरब के कबाइल को समझने के लिए और उनके मजमून को जानने के लिए अरबों की कबाइल की तकसीम और उसके लिए मौजूद इस्तलाहात को जानना भी जरूरी है, इसलिए कि आम तौर पर वो जब इस्तलाहात बयान की जाती हैं तो इंसान कंफ्यूज होता है कि इसमें कबीला कौन सा है, इसमें वतन कौन सा है। तो अरबों में इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं वो 6 लफ्ज हैं, शुअब, कबीला, अमारा, वतन, फखिस और फसीला। शुअब में तमाम कबीले जमा हो जाते हैं, कबीले में अमायल जमा हो जाते हैं, अमारा में बुतून जमा हो जाते हैं, वतन में फखिस और अफखास जमा हो जाते हैं, और फखिस में फसाइल या फसीले जमा हो जाते हैं। अब ये बात कि भाई फखिस में फसीले जमा हो गए, वतन में तमाम अफकाज जमा हो गए, अमारा में बुतून जमा हो गए और शुअब में सारे अमारा जमा हो गए, इसको समझने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के नसब को सामने रखना आसान हो जाता है, उसके जरिए बात समझी जा सकती है। नसब आमतौर पर लोगों को याद होता है, मुदर जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुअब है, किनाना आपका कबीला है, कुरैश हमारा है, कुसई वतन है, हाशिम फखिज है, और बनू अब्बास आपका फसीला है। इस तरह
आप अलैहि सलातो तस्लीम की सारी तफसील खत्म हो जाती है। और एक लफ्ज इसमें अशीरा भी आता है फसीला के बाद, और बाद रिवायतों में आता है कि वो फसीला और अशीरा का माना है। बहरहाल अरबों में, अरब क्या थे? अरब जंगजू थे, अरब कबीला था। आप में से जो लोग कबाइली निजाम से वाकिफ हैं, और यकीनन बहुत से लोग वाकिफ हैं, वो जानते हैं कि कबीला एक आजाद यूनिट का नाम होता है, और उसकी तहजीबी और माशर्ती और माशी जिम्मेदारियां दूसरों से अलग होती हैं। उनका कोई ना कोई एक शख्स या कोई इदारा, चंद अफराद मिलके, कुछ चौधरी टाइप के लोग होते, सरदार हैं, सरबरा, कोई भी उनवान दे दे, हर इलाके के उनवान अलग होते हैं। उनकी अपनी एक रिवायत होती है, वो गैर तहरीरी रिवायत होती है, उसमें कोई दस्तूर तहरीरन मौजूद नहीं होता, उसके बावजूद वो रिवायत इतनी पुख्ता होती है कि उनका सरदार भी उसको बाईपास करने की कोशिश करता है तो कामयाब नहीं होता। ये बात अगर हमारे जहन में रहे तो हमारे कबायली निजाम से वाकिफ लोगों के लिए अरबों के निजाम को जानना बड़ा आसान हो जाता है। अरब बुनियादी तौर पर एक कबीले के तौर पर, एक कबायली निजाम के तौर पर मौजूद थे। जब हम ये बात कहते हैं कि वो एक कबायली निजाम के तौर पर मौजूद थे, तो हम उसको फौरन उसके बरक्स माना भी अपने जहन में बिठा लेते हैं, जो कि दुरुस्त नहीं होता। वो ये होता है कि उनके यहाँ कोई सिस्टम नहीं था। हम इसीलिए ये बात वाजे कर चुके हैं कि कबीले का मफहूम ये नहीं है कि उनके यहाँ सिस्टम नहीं होता, कबीला खुद एक सिस्टम होता है। आपको इससे इत्तेफाक है या नहीं है अलग है, उस सिस्टम में खराबियां हैं या नहीं है ये अलग है, वो सिस्टम मुफीद है मुजिर है ये अलग है। ये कहना कि सिस्टम ही नहीं है, निज़ाम ही नहीं है, ये गलत होगा, अपने वाकई के खिलाफ होगा। अरबों में सिस्टम मौजूद था, निज़ाम मौजूद था, कबायली था, आज का जमहूरी निज़ाम नहीं था, निज़ाम मौजूद था, उसमें खराबियां थी। खराबियां ना होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस क्यों किया जाता? वो खराबियां सिर्फ मजहबी नहीं थी, अखलाकी भी थी, माशी भी थी, माशरती भी थी, हम उनकी तरफ इशारे करेंगे, लेकिन निज़ाम मौजूद था, और उस निज़ाम में उनकी सियासत भी मुतय्यन थी, माश भी मुतय्यन था, माशरत भी मुतय्यन थी, और उसकी रोशनी में लड़ाई और झगड़े भी थे जो हर जगह होते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले जो अरब थे वो बुत परस्त थे, मुशरिक थे, और कुरान करीम की रोशनी में हम देख सकते हैं कि उनके शिर्क की कैफियत भी बहुत वसीउल माना थी, वसीउल अतराफ थी, शिर्क की बहुत सी शक्लें उनमें मुरव्वज़ थी। लेकिन जो आगाज हुआ है वो बुत परस्ती से। उमर अल खुजाई कोई शख्स है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो अरबों के हाँ बुत परस्ती का बानी है, और उसने ये बुत परस्ती इस तरह शुरू की कि वो एक, क्योंकि सारे ये बात हो चुकी है कि वो तिजारत पेशा था, तिजारत के सिलसिले में वो शाम गया, वहां बीमार पड़ गया, बीमारी कुछ इस नौयत की थी कि वो ठीक नहीं हो सका, तो उसको कहा गया कि फला जगह एक मुकद्दस चश्मा है, चश्मे हमेशा से मुकद्दस होते रहे, कोई तशवीश की बात नहीं है, इसलिए कि इंसान की मालूमात कम थी, आज भी कम है। बाज जगह अल्लाह ताला ने बाज पानी में, जगह पर, मौसम में, जड़ी बूटियों में तासीर रखी है, बीमारियों का इलाज रखा है, और उसकी आज अगर तहकीक की जाए तो कीमियावी तौजीह आसान हो जाती है। कोई जल्दी बीमारी है, चश्मे में ऐसे अज्जा शामिल हैं कि वो जिल्द के लिए मुफीद है, वो इंसान नहाता है, वो बीमारी दूर हो जाती है। लेकिन यहाँ तो ये है कि अगर डॉक्टर कोई दवा दे दे और दवा इंसान के मुआफिक आ जाए तो वही मुकद्दस बन जाता है। तो ये कैफियत वहां पहले उस जमाने में जाहिर है इससे ज्यादा थी। वो इलाज किया, उन्होंने ठीक हो गए, उन्होंने कही तो बड़ा कोई मौजा हो गया। वो जिस इलाके में थे वो अहले बलका का इलाका था, वहां उन्होंने लोगों को देखा कि वो बुत पूज रहे, कहे इन लोगों की बरकत से एक चश्मा मिला है, चश्मे से मुझे शिफा मिली, तो ये लोग अच्छे हैं, ये लोग अच्छे हैं तो जो कुछ ये कर रहे हैं वो भी अच्छा होगा। यही शख्सियत परस्ती है। शख्सियत परस्ती का मफहूम ये नहीं है कि एक शख्स आलिम है, फकीह है, मुहद्दिस है, बुजुर्ग है, और हम उससे एहतराम का रिश्ता ना रखें, अकीदत उस्तवार ना करें, उसकी खिदमत ना करें, ये शख्सियत परस्ती नहीं है। शख्सियत परस्ती है कि वो अब जो कुछ कर रहा है वो बगैर दलील के हम तस्लीम करें,
बगैर शरी अहकाम के उसको हम मानेंगे, ये शख्सियत परस्ती है। और उसके मुकाबले में जब दलील आए तो हम कहेंगे ये दलील काबिल कोई हुज्जत नहीं है क्योंकि फलां शख्स का अमल इसके खिलाफ है। उसूल यह है कि अमल किसी भी शख्स का हुज्जत नहीं होता। क्यों? इसलिए कि कोई भी शख्स ज़ात रिसालत तस्लीम के बाद अहले सुन्नत क्या मासूम नहीं है। अमल उस वक्त हुज्जत होगा जब वो दलील के मुताबिक होगा, लेकिन किसी भी शख्स का किसी भी अमल में किसी भी हवाले से शरी नुक्ता नजर से किसी भी सतह पे हटना उसके गैर माकूल होने, गैर मजहबी होने या काबिल एहतराम न होने की दलील नहीं है। ऐन मुमकिन है कि उसके उसके जहन में कोई मामला अलग हो, ऐन मुमकिन है कि उसके पास कोई तावील हो, ऐन मुमकिन है कि उसके जहन में ही वो बात ना मौजूद ना हो, मतलब मुगालता हो, असल शरी हुक्म का उस वक्त इस्तेजार ना हो, या उसके सामने कोई गैर मामूली हिम्मत हो जो उसकी जात से वाबस्ता हो। मतलब शरी हुक्म आमतौर पर सच बोलने का है, लेकिन एक शख्स मेरे सच बोलने से झूठ मर जाए, हार्ट अटैक का खतरा हो, या उस पर किसी और की जानिब से किसी तशद्दुद और जुल्म का खतरा हो और मैं झूठ बोल दूं, तो वो मेरा झूठ आपके लिए हुज्जत तो नहीं है, लेकिन उसके लिए तो शरीयत का हुक्म बन गया, जिंदगी का पैगाम बन गया। शख्सियत परस्ती का मफहूम सिर्फ इतना है, इसको जब लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है तो दोनों जानिब से, इस्तेमाल करने वालों की भी जानिब से और इस्तेमाल करने पर तनकीद करने वालों की जानिब से, क्योंकि बस मफहूम वाज़ेह नहीं होता तो उसको उसका सही मफहूम लिए बगैर रद्द अमल का इंसान शिकार हो जाता है। यहाँ मामला यही हुआ कि उन्होंने देखा कि जरा वो वहां चश्मे से हमें शिफा मिल रही है, वो लोग क्या कर रहे हैं, बुत पूजा क्या है, ये बुत है, लाओ एक बुत पूजा भी दे दो। वो ले आए, यहाँ लाके उन्होंने बुत परस्ती शुरू कर दी, लोगों को दावत दी, लोगों के पास जाहिर है कि दीन मौजूद नहीं था, शरीयत मौजूद नहीं थी। अंबियाए किराम का मामला वो है कि उस दौरान फतरत का मामला था, दरमियान में इनकिता था, आप अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी अभी नहीं हुई थी, तो वहां बुत परस्ती शुरू हो गई। कुरैश के दरमियान बुत परस्ती में मुकाबला था, हर कबीले के अलग अलग बुत थे। कुरैश के जो बड़े बड़े बुत थे उनमें हुबुल था और मुख्तलिफ बुत थे जिनका जिक्र कुरान ने और दूसरे सीरत के वाकयात में, सीरत की तफसीलात ने बयान किया है। लेकिन अल्लाह का तसव्वुर पूरी वजाहत के साथ बहरहाल मौजूद था, अल्लाह को वो मानते भी थे, पूरा तसव्वुर भी रखते थे, लेकिन अल्लाह के साथ अल्लाह के इख्तियारात में शरीक करते थे, यानी शिर्क ज़ात नहीं था, शिर्क सिफात था। और शिर्क ज़ात से ज्यादा जो कि माशरे में मौजूद है, शिर्क सिफात खतरनाक होता है कि इंसान को तौहीद का मुगालता भी रहता है और तौहीद से इनहराफ पर वो मुतनब्बे भी नहीं हो पाता। कुरान करीम ने उनकी शिर्क की बहुत सी किस्मों को जिक्र किया है, रिवायात में बहुत सी, रिवायत सीरत में उनकी बहुत सी किस्में आई हैं। उनमें एक किस्म आजम परस्ती, हर बड़ी चीज को पूजना, यह इंसानी मिजाज है, हर कदीम चीज को पूजना, हर बड़ी चीज को पूजना मिजाज है। याद रखने की बात यह है कि कदामत के साथ तकद्दुस वाबस्ता नहीं होता, तकद्दुस के दलील अलग है, कदामत की बुनियाद अलग है। ये हवाला इसलिए मुकद्दस नहीं है कि ये कदीम है, ये रिवायत इसलिए मुकद्दस नहीं है कि ये कदीम है। हाँ, ये हो सकता है कि ये रिवायत हमारे लिए काबिल एहतराम इसलिए हो कि ये कदीम है। काबिल एहतराम होना अलग है, मुकद्दस होना अलग है। अगर कोई रिवायत पुरानी है और हमारे लिए काबिल एहतराम है तो उसका मफहूम ये होगा कि वो शरीयत से मुतसादिम नहीं है, चलती रहे, हमें कोई अर्ज नहीं। शादी ब्याह के रसूमात अगर किसी और शरी हुक्म की खिलाफ वर्जी का मूजिब नहीं बन रही, कोई और शरी हुक्म नहीं टूटता, करें मतलब उसमें इसराफ नहीं, उसमें तबजीर नहीं है, उसमें कोई बेहयाई और बेशर्मी की बात नहीं है, उसमें और कोई
शरी हुकुम की खिलाफ वर्जी लाजिम नहीं आ रही, करें। अगर एक खानदान कहता है कि जनाब हमारे यहाँ तो 200 साल से बारात इसी तरह रुख्सत हो रही है और आ रही है, तो हमें उसके रास्ते में खड़े होने की जरूरत नहीं है। किसी के यहाँ छोटे इस्तकबाल कर रहे हैं, किसी के यहाँ बड़े इस्तकबाल कर रहे हैं, किसी के यहाँ इस्तकबाल करने की रिवायत कुछ और है, किसी के यहाँ कुछ और है, कोई बेहूदगी ना हो, भूल। फिर एक और चीज और भी है, हम अपनी पुरानी चीजें संभाल के रखते हैं, दुनिया भर की रिवायत है। ये चारपाई क्यों संभाली हुई है भाई, हमारे दादा की है। ये चादर क्यों रखी हुई है, ये हमारी नानी इस्तेमाल करती थी। इसका कोई शरी हुक्म तो नहीं है, शरी तौजीह भी नहीं हो सकती, लेकिन क्या जरूर है कि उसको हम सिर्फ इसलिए उठा के फेंकते हैं कि ये हमारी नानी के इस्तेमाल में थी, ये भी तो कोई दलील नहीं है। लेकिन इसके बरक्स ये हो कि ये चूंकि हमारे नानी इस्तेमाल करती थी इसलिए अब ये मुकद्दस है, अब इसमें बरकत है। एक है किसी बुजुर्ग की किसी चीज से तबर्रुक हासिल करना, उसमें तो कोई शरीयत की बात नहीं है, लेकिन वो तबर्रुक हासिल करना किसी शरी तकाजे के रास्ते में रुकावट बन जाए या कोई नया शरी तकादा पैदा हो जाए, यानी एक बरकत की एक रिवायत कायम हो गई। मिसाल के तौर पे कि भाई जो घर से कोई रुख्सत हो रहा है उसको जनाब छू के रुख्सत हो रहा है बिल्फर्ज, और जो छू के रुख्सत नहीं हो रहा कहे बस नहुसत है ये अब सफर कामयाब नहीं होगा इसका, और अगर खुदा ना खासा कोई छुए बगैर चला गया और एक्सीडेंट हो गया तो पक्के हो गए। तो जहन में ये तसव्वुर पैदा होना कि इसके बगैर जिंदगी नहीं है, इसके बगैर बरकत नहीं है, इसके बगैर हम कामयाब नहीं है, ये जाहिर है कि एक शरीयत तकाजे के मुकाबले आने वाली बात होगी। ये जाहिर है कि यहाँ से फिर शरीयत के हुकूक शुरू हो जाएंगे और फिर हमें उससे पिछड़ना होगा। इंसान किसी बड़े की निस्बत से कोई चीज देखता है, कोई कबाहत नहीं, कोई देखने में हर्ज नहीं है। ये आम बड़ों की बात हो रही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बरकत लेना वह तबर्रुक नबवी का अलग उनवान है, वह अलग बहस। तो आदम परस्ती ये नहीं थी, आदम परस्ती ये थी कि 200 साल पुराना दरख्त है तो इसको चूम लो, ये 300 साल पुराना पत्थर है तो इसको माबूद बना लो, या ये कि ये बड़ी चीज है। बड़ी चीज एक होती है जो मरई होती है, देखने में आती है, एक गैर मरई है, ये फरिश्ते हैं ये बड़े, ये जिन है ये बड़े, ये शैतान है ये बड़ा है, पूजो इसको। ये कैफियत उनके यहाँ बहुत ज्यादा थी, कुरान करीम ने इसका जिक्र किया है। अरबों के जो बुनियादी मजाहिब मौजूद थे उनमें यहूदी भी थे, ईसाई भी थे, नसरानी कह रहे हैं, और मजूसियत भी थी, साबियत भी थी, हनीफियत भी थी। यहूद आम यहूद थे और ये फदक, खैबर, मदीना मुनव्वरा इन मुख्तलिफ जगहों पे आबाद थे। यमन के इलाके में नजरान वगैरह जितने थे ये नसारा का ईसाइयों का इलाका था। मजूस आम तौर पर ईरान का मजहब था, लेकिन उनके असरात भी अरबों में नजर आते थे जो बहुत ज्यादा नुमायाँ नहीं थे। मजूसियत असल में ईरान का मजहब है, वहां का कदीम तरीन मजहब है, इसके बानी ज़रतुश्त है, लेकिन ज़रतुश्ती खुद को अपने आप को मजूसी नहीं कहते। ये लफ्ज यूनान से आया है, वो इसको मजूस कहते थे जिसको अरब में मजूस कर दिया गया और वहां से मजूसियत पैदा हुई। साबियत एक अलग मजहब है जिसके बारे में इश्काल और इबहाम मौजूद है, कम अज कम शायद मैं अल्फाज में उसकी पूरी वजाहत ना कर सकूं। इनको सितारा परस्त भी कहा जाता था और आम तौर पर कहा जाता है कि ये इराक का कदीम मजहब था। ये सितारों की पूजा करते थे, खासतौर से तीन औकात में, तुलू आफ्ताब, गुरुब आफ्ताब और जवाल के वक्त। इसी तरह ये तो मुअस्सिर हकीकी समझते थे, अल्लाह को भी मानते थे। कुरान करीम जब आयात है जिसमें आपने अपनी तखलीक बयान करके इन तमाम चीजों को अपनी मखलूक करार देकर अपनी आयत के तौर पर बयान करता है, तो वो इसी जानिब इस जानिब भी इशारा कर रहा होता है कि ये जिन चीजों को पूज रहे हो ये पूजने के काबिल नहीं है, पूजने के काबिल इनका भी खालिक है, असल जो खालिक है। वमिन आयातिहिल्लैलु वन्नहारु वश्शम्सु वल्कमर ला तस्जुदू
بشم سی ولال القمر، واضح ہے قرآن کا یہ بیان، ان کو سجدہ نہیں کرو سورج چاند کو یا ستاروں کو، بس جدو للہ الذی خلقہن ان کنتم اياہ تعبدون، اصل تو مالک اوپر ہے، یہ سب مخلوق ہے، تو مخلوق کی عبادت کر کے تم اپنے آپ کو دھوکے میں کیوں ڈال رہے ہو، جبکہ تمہارے پاس یہ راستہ موجود ہے کہ مخلوق سے خالق کو پہچانو اور خالق کی عبادت میں اپنی زندگی صرف کرو. ایک اور گروہ عربوں میں حنیفی تھا، حنفی نہیں، حنفی بعد میں آئے، حنیفی. حنیفی کا مطلب ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مذہب کو ماننے والے، لیکن یہ جتنے ماننے والے تھے بنیادی طور پر یہ عربوں میں موجود برائیوں کے رد عمل کا گروہ تھا، یہ حضرت ابراہیم کی تعلیمات سے واقف نہیں تھے، ان کے پاس ان کے مذہب کی تفصیلات موجود نہیں تھیں، بلکہ انہیں صرف یہ علم تھا کہ ایک بڑے پیغمبر پیدا ہوئے تھے، وہ بڑے مصلح تھے، انہوں نے بڑی ہدایات دی، بڑی اچھی اچھی باتیں کی، اور جو کچھ ہم بت پرستی میں اس وقت مبتلا ہیں، شرک کے جن اوہاموں میں ہم اس وقت مبتلا ہیں، ان سے انہوں نے محفوظ رکھنے کی تلقین کی تھی، ہم ان کو مانتے ہیں. کیسے مانتے ہیں؟ بغیر کسی تفصیل کے مانتے ہیں، ان کے پاس کی تفصیل موجود بہرحال نہیں تھی. حضرت ابراہیم کے لیے قرآن کریم نے بھی یہ لفظ استعمال کیا، ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولکن کان حنیف مسلما، یہ اسی سے منسوب یہ لفظ ہے. عرب، ہم یہ بات جانتے ہیں، اور جب دور جاہلی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو از خود اس سے یہ ذہن میں تصویر بنتی ہے کہ ان کے یہاں بہت سی برائیاں. یہ برائیاں اعتقادی نوعیت کی بھی تھیں، عملی نوعیت کی بھی تھیں. ان برائیوں کی ایک طویل فہرست ہے، جن میں سب سے اہم چیز تھی کہ وہ فکری طور پر الجھے ہوئے تھے، ان کے یہاں ایک تصور کہانت کا موجود تھا. کہانت کاہن کے عمل کو کہتے ہیں. کاہن وہ لوگ ہوتے تھے جو آسمانی اپنے خیال میں، اپنے زام میں، اپنے دعوے کے مطابق آسمانی معاملات کی خبر دیا کرتے تھے. یہ عربوں میں مرد بھی کرتے تھے، عورتیں بھی کرتی تھیں، یعنی کاہن بھی ہوتے تھے، کاہنہ بھی ہوتے تھے. ہمارے ابھی جادو کے بعد جادوگرنی آ چکی. کاہنوں کے بارے میں عربوں کا عام اعتقاد یہ تھا کہ ان کے پاس جن ہیں جو ان کو خبریں دیتا ہے. قرآن کریم کہتا ہے حَلُ نَبِّئُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينَ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، سخت ہے لہجہ، مبالغے کا صیغہ بیان کر رہا ہے قرآن کریم کہ کیا تمہیں بتاؤ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ شیطان ہر جھوٹے گناہگار پہ اترتے ہیں، افاق پہ اترتے ہیں، یعنی بہت زیادہ جو تہمتیں لگانے والا اور جھوٹ تراشنے والا ہو. وہ فال نکال دیتے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، انتہائی گندگی ہے. رجس کا مطلب آپ لوگ عربی سے واقف ہیں سمجھتے ہیں، انتہائی ایسی غلاظت جس کا کوئی اور استعمال ممکن نہیں. یہ ایسی درجے کی گندگی ہے. فال نکال، فال کی بہت ساری شکلیں تھیں. کوئی بھی نیت ذہن میں رکھی، سفر پہ جانا ہے، سفر پہ جائیں نہ جائیں تو پھر تین فال تیر رکھ لیے، یہ تیر نکلے گا تو جائیں گے، یہ تیر نکلے گا تو نہیں جائیں گے، یہ تیر نکلے گا تو دوبارہ کریں گے. مثال کے طور پر کوئی اور تیر مار دیا، لگ گیا نشانے پہ تو جائیں گے، نہیں لگا تو نہیں جائیں گے. اور دس طرح کی جانور، پرندہ اڑا دیا، کبوتر اڑا دیا، ادھر چلا گیا تو جائیں گے، لیفٹ کو الٹے ہاتھ کو چلا گیا تو نہیں جائیں گے، یہ فال کہتے ہیں. اسی طرح اوہام پرستی تھی. بھوک لگ رہی ہے تو کہتے ہیں کہ پیٹ کے اندر، ہمارے یہاں بھی محاورہ مشہور ہے، چوہے دوڑ رہے ہیں، کہتے ہیں یہ سانپ ہے، وہ بھوک سے بلبلا رہا ہے. زیادہ قحط کی کیفیت ہو جاتی دہرے کے، وہاں پہ زراعت تو بالکل نہیں تھی، بارشیں وغیرہ اگر نہ ہو تو دہرے کے تھوڑی چھوٹی موٹی رویدگی جو ہو رہی ہے وہ بھی نہیں ہوگی. تو اس قحط سالی کے دور میں وہ بھیڑ کو لیا، اس کی دم میں
घास फूस भरा और आग लगा दी, इससे बारिश हो जाएगी, कैद साली दूर हो जाएगी वगैरह वगैरह। रास्ता भूल गए तो कपड़े उल्टे करके पहन लेते थे, मतलब चादर चादर ही ओढ़ी हुई उल्टा दिया तो भाई रास्ता मिल जाएगा। तो इस नौयत की अवाम परस्ती उनके यहाँ बहुत थी, जंगजुई उनके यहाँ बहुत थी, लड़ना और मारना ये उनका मशगला था। बाकायदा बच्चों को लड़ने के लिए बचपन से ही तैयार किया जाता।